लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर 26 अक्टूबर प्रातः 8 बजे से 28 अक्टूबर को प्रातः 3 बजे तक महानगर क्षेत्र में समुचित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों का डायवर्जन लागू कर दिया गया है। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि लखनऊ संत कबीर नगर की तरफ से गोरखपुर आने वाले भारी वाहनों को लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति तक नौसर से डायवर्जन किया जाएगा। ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर, करजहा, फोर लेन होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। वाराणसी, आजमगढ़, मऊ व बड़हलगंज से गोरखपुर की तरफ आने वाले भारी वाहन नौसर से डायवर्जन किया जाएगा। ये वाहन कालेश्वर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। कुशीनगर से गोरखपुर की तरफ आने वाले भारी वाहन कोनी फोर लेन से रामनगर करजहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। शहर की तरफ प्रवेश वर्जित रहेगा। देवरिया से गोरखपुर की तरफ आने वाले भारी वाहन रामनगर करजहा फोर लेन बाघागाड़ा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। अमर उजाला तिराहा से लखनऊ की तरफ जाने वाले रोडवेज एवं प्राइवेट बस, इंडियन ऑयल टैंकर एवं गैस टैंकर को अमर उजाला तिराहा से डाइवर्ट किया जाएगा। ये वाहन देवरिया बाईपास से रामनगर करजहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे तथा आवश्यकता अनुसार चार पहिया वाहन भी डाइवर्ट किए जाएंगे। नौसर चौराहे से टीपी नगर चौराहे की तरफ भारी वाहन एवं बसें प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर करजहा एवं कालेश्वर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। दुर्गावाड़ी, अलीनगर, बख्शीपुर, जुगनू तिराहा, टीपी नगर, राप्ती नदी के पुल के मार्ग पर किसी प्रकार के चार पहिया एवं तीन पहिया वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। घोष कंपनी से नखास चौक तक, घोष कंपनी से रेती चौक तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। अलहदादपुर तिराहा से घंटाघर तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से पांजेहाता घंटाघर तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नॉर्मल से बर्फखाना हुमायूंपुर की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। हुमायूंपुर रेलवे ओवरब्रिज से गंगेश चौराहा, अलीनगर, बख्शीपुर, घंटाघर की तरफ चार पहिया एवं तीन पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। अग्रसेन तिराहा से बख्शीपुर चौराहे की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। विजय चौक से अलीनगर, चरणलाल चौक की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। खूनीपुर, साहबगंज से बख्शीपुर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। घासीकचरा, मिर्जापुर, लाल डिग्गी से बख्शीपुर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। लाल डिग्गी से गीता प्रेस, रेती चौक तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। फल मंडी चौराहे से राजघाट पुल की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। जटा शंकर तिराहा से अलीनगर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। मदीना मस्जिद चौराहा से शमारुफ जाने वाले मार्ग पर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। फरिंदा, पीपीगंज से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले भारी वाहन एवं बसें प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन बरगदवा तिराहे से फर्टिलाइजर झुंगिया होते हुए खजांची चौराहे से फातिमा अस्पताल, पादरी बाजार चौकी चौराहा बाईपास मार्ग से चार फाटक ओवरब्रिज मोहद्दीपुर होते हुए देवरिया एवं कुशीनगर की ओर जाएंगे। सभी प्रकार के एम्बुलेंस, तीर्थयात्री वाहन या अन्य इमरजेंसी वाहन उपरोक्त डायवर्जन नियम से मुक्त रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, लक्ष्मी एवं गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर शहर में काफ़ी भीड़भाड़ रहेगी विसर्जन स्थलों पे, तो विसर्जन की समुचित व्यवस्था हेतु जनपद गोरखपुर में निम्नलिखित स्थानों पर यातायात डायवर्जन किया गया है। बड़े वाहन जो संत कबीर नगर लखनऊ से आएंगे वो नौसर से डाइवर्ट किए जाएंगे बाघागाड़ा और रामनगर करजहाँ की तरफ। इसी प्रकार बनारस, आजमगढ़, मऊ और बड़हलगंज की तरफ आने वाले वाहन ये भी नौसर से डाइवर्ट किए जाएंगे कालेश्वर की तरफ। कुशीनगर और गोरखपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन जो है कोनी फोर लेन से डाइवर्ट किए जाएंगे रामनगर करजहाँ की तरफ। देवरिया से गोरखपुर की तरफ आने वाले भारी वाहन पुनः रामनगर करजहाँ की तरफ डाइवर्ट किए जाएंगे। और फरिंदा, पीपीगंज से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित हैं। इनको रास्ता दिया गया है बरगदवा तिराहे से फर्टिलाइजर, झुगिया, खजांची चौराहा, फातिमा, पादरी बाजार, कौआबाग और चार फाटक ओवरब्रिज और मोहद्दीपुर होते हुए देवरिया एवं कुशीनगर के लिए जाएंगे। इसी प्रकार शहर में जो इंटरनल डायवर्जन किया गया है उसमें
अमर उजाला तिराहा से लखनऊ की तरफ जाने वाले रोडवेज और प्राइवेट वाहनों के लिए अमर उजाला तिराहा से डाइवर्ट किया जाएगा। ये देवरिया बाईपास से रामनगर करजहाँ होते हुए जाएंगे, नौसड़ चौराहे से टीपी नगर की तरफ भारी वाहन एवं बसें प्रतिबंधित रहेंगी। शहर में अंदर दुर्गाबाड़ी, अली नगर, बख्शीपुर, जुगनू तिराहा, टीपी नगर, राप्ती नदी पुल की तरफ जाने वाले रास्तों पर सभी प्रकार के चार पहिया एवं ऑटो ई रिक्शा प्रतिबंधित किए गए हैं। घोष कंपनी से नखास की तरफ ऑटो और ई रिक्शा प्रतिबंधित किए गए हैं। अलादातपुर तिराहा से घंटाघर की तरफ नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से पांडेहाट एवं घंटाघर की तरफ ऑटो और ई रिक्शा और कारें प्रतिबंधित की गई हैं। नॉर्मल से बर्फखाना हासूपुर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। हिमायूपुर रोलवे ओवरब्रिज से गंगे चौराहा, अली नगर, बख्शीपुर, घंटाघर की तरफ सभी वाहन प्रतिबंधित हैं। इसी प्रकार अग्रसेन तिराहा से बख्शीपुर की तरफ, विजय चौक से अली नगर और चरणलाल चौक की तरफ, खूनीपुर साहबगंज से बख्शीपुर की तरफ, घासी कटरा मिर्जापुर लाल डग्गी से बख्शीपुर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। लाल डग्गी से गीता प्रेस रोड और रेती चौक की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। फल मंडी चौराहा से राजघाट पुल की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। जटाशंकर तिराहा से अली नगर की तरफ भी कोई वाहन नहीं जाएगा और मदीना मस्जिद चौराहा से शाह मारूफ की तरफ जाने वाले ऑटो, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर सभी प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा प्रतिबंध के दौरान एम्बुलेंस या तीर्थयात्रियों के वाहन या इमरजेंसी व्हीकल कोई भी है वो इन डाइवर्जन से मुक्त रहेगा। सभी से अनुरोध है कि एम्बुलेंस वाले वाहनों के लिए प्राथमिकता के तौर पर रास्ता दें। उक्त डाइवर्जन आज दिनांक 26 तारीख के लिए प्रातः 8 बजे से लागू कर दिया गया है और ये 27 को लागू रहेगा और 28 तारीख को सुबह 3 बजे तक मूर्ति विसर्जन के समापन होने तक उक्त डाइवर्जन लागू रहेगा। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा का प्लान, जाने का प्लान उक्त डाइवर्जन को ध्यान में रखते हुए अपना प्लान बनाएं, जिससे कि डाइवर्जन वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कोई असुविधा ना हो और आपके लिए भी अपने गंतव्य तक पहुँचने में कोई असुविधा ना हो। उक्त डाइवर्जन पॉइंट पर हमने आम जनता की सहूलियत के लिए और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए जगह जगह ट्रैफिक की टीम लगाई गई है, जो कि आपको रास्ता बताएगी, गाइड करेगी। सभी का सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू। जय हिंद।